तो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ 100 आरएल क्राफ्ट में, जो अब तक का सबसे हार्डेस्ट मोड है, लेकिन इसको और भी ज्यादा हार्ड बना दिया गया है इस बार। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे को एक सूट बनाना है, उसके बाद मुझे कुछ ताकत इकट्ठी करनी है, और इन सभी चीजों के बाद मुझे मार देना है यहाँ का बोस। तो क्या आरएल क्राफ्ट में मैं एक बार फिर से ओपी बन पाऊंगा? और ये सभी चीजें देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अभी मेरी शुरुआत होती है एक जंगल से, और यहाँ पर सबसे पहला मेरा काम है अपने आप को बचाना आसपास की चीजों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आसपास ड्रैगन भी आ जाता है। तो सबसे पहला मेरा काम है यहाँ पर डंडियाँ लेना, और डंडियाँ मिलती है इन चीजों से। डंडियों के बाद मुझे लेना है ग्रेवल, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को एक चाकू बनाना पड़ेगा जो कि ग्रेवल से बनेगा, और उस चाकू के बाद मेरे टूल्स वगैरह बनेंगे। वैसे सही बताए ये चीजें बनानी तो चाहिए नहीं, क्योंकि भाई कभी भी मैं मर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ फिर भी बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अगर टूल्स होंगे तो शायद से मैं बच भी जाऊँ, इसलिए भाई मैंने फटाफट से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ से मैंने ग्रेवल निकालना शुरू कर दिया, ग्रेवल नहीं मेरे को फ्लिंट चाहिए था। तो भाई फ्लिंट आ गया, अब इसका काम क्या है, इसको मेरे को पत्थर पे मारना है ताकि ये फ्लिंट के छोटे छोटे और टुकड़े हो जाए, मतलब फ्लिंट पहना हो जाए। वैसे पत्थर मेरे को आसपास दिख नहीं रहा था, तो मैंने एक काम किया, आसपास जो छोटे रॉक थे ना उनको मैंने उठा लिया ताकि मैं एक कोबल स्टोन खुद का ही बना सकूं। तो भाई मैंने इन चीज़ों को फटाफट से उठाया, और हाँ यहाँ पर ना एक हिप्पो ग्रिफिन था, ऐसे कुछ करके नाम था उसका, मैं इसका नाम भूल गया हूँ वैसे। तो जो भी हो ये मेरे पीछे पड़ गया था, वैसे मैं इसको टेम कर सकता हूँ, इसके लिए ना रैबिट के फूड चाहिए होंगे, पर अभी मेरे पास इतना कुछ नहीं है। मैं तो भाई फटाफट से अपने फ्लिंट के टुकड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई मेरे को टूल्स वगैरह बनाने, और जब इससे टुकड़े मिले मतलब शार्ड मिले, तो सबसे पहले मैंने इसका एक नाइफ बनाया, क्योंकि मेरे को एक हैचेट बनानी है। तो इस नाइफ का काम क्या होता है, इससे मैं दूसरों को मार सकता हूँ, लेकिन मारने का मेरे को इससे काम नहीं लेना। मेरे को ना यहाँ से जो घास है इनसे मेरे को फाइबर निकालनी है, ये फाइबर रस्सियों की तरह काम करती है, मतलब स्ट्रिंग बना सकता हूँ मैं इनसे। इसलिए भाई जितना हो सके उतना मैंने यहाँ से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभी पहला दिन है, पहले दिन अगर मैं टूल्स वगैरह बना लेता हूँ ना तो शायद मैं सर्वाइव कर सकता हूँ यहाँ पर अभी पहले दिन में ही। तो सारे काम के बाद मैंने इनकी स्ट्रिंग बनाई जो कि फाइबर की स्ट्रिंग थी, और एक मैंने यहाँ पर फ्लिंट का हैचेट बना लिया। अब इस हैचेट का काम क्या है कि इससे मैं कोई भी पेड़ काट सकता हूँ। वैसे मैं कोई भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर हाथ से कोई सा भी पेड़ नहीं टूटता, यहाँ पर टूल चाहिए ही चाहिए, या तो हैचेट चाहिए या एक्स चाहिए, तो इसलिए भाई ये टूल की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही से लड़ने झगड़ने में भी काम आएगा। इसके बाद अगर आपको ना पता हो, आरएल क्राफ्ट में एक चीज और होती है कि मैं डायरेक्ट प्लैंक नहीं बना सकता, मुझे अपनी हैचेट से ही प्लैंक निकालने पड़ेंगे। प्लैंक ही नहीं, जो स्टिक्स वगैरह भी होते हैं वो भी मेरे को इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। ये पता है मुझे अजीब है, लेकिन आप इस चीज को कई बार देख चुके हो। तो मैंने यहाँ पर और भी पेड़ काटे जितने हो सके, क्योंकि थोड़े से टूल्स भी तो बनाने थे लकड़ियों के मुझे। मैंने जितने हो सके उतने सारे यहाँ पर टूल्स बना लिया, कुछ चीजें तो आलतू फालतू भी बनाई, लेकिन कुछ चीजें मैंने काम की भी बनाई। और उसके बाद लग गया भाई खाने इकट्ठा करने। ये जो बड़े डायनासोर देख रहे हो ना भाई, बड़े पैसिव डायनासोर है, ये कुछ भी नहीं कहते, लेकिन इनसे जो खाना मिलता है वो बड़ा तगड़ा होता है। तो भाई मैंने इनको मारना शुरू कर दिया ताकि मेरे को इनसे खाना मिल सके। उसके बाद मैंने एक केव बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं सोच रहा था पहला दिन है, सर्वाइव करने का टाइम आ गया, कोई खतरा नहीं है आसपास, तो इससे अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरी चीज़, हमें कोबल स्टोन भी मिल जाएंगे ताकि अपने टूल्स वगैरह ये चीज़ें अपग्रेड हो सके। तो भाई मैंने सबसे पहले एक फर्नेस बनाया, अपने खाने को पकाया, और जो मेरे पास लकड़ी के टूल्स है उनको ही मैंने कोल की तरह यूज़ किया है, क्योंकि अब मेरे पास कोबल स्टोन है तो स्टोन के टूल होने वाले हैं। और देखो इस तरीके से हमारा पूरा दिन भी ख़त्म। तो अब रात हो रही है, रात को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि हेल्थ। अब मेरे पास ना अलग अलग पार्ट में अलग अलग हेल्थ है, मतलब अलग अलग हर्ट है। अगर मेरे सर पे लगी चोट तो मैं डायरेक्ट मर सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर लेवल्स भी है जो कि स्किल्स है, मैं यहाँ पर स्किल बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं और नई नई चीज़ें इस्तेमाल कर सकूँ। जैसे अभी स्टोन कर रहा हूँ, आगे मैं आयरन भी यूज़ कर सकूँ, उसके लिए स्किल भी है। पर अभी तो मुझे यहाँ पर कैसे न कैसे सर्वाइव करना है, तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉर्च बनाई, जो कि मैं भूल गया था कि ये लिट टॉर्च होती है, मतलब इनको जलाना पड़ता है भाई, और जलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं, जो कि एक मैच बॉक्स बनती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बिर्च वुड की लकड़ियाँ काटी थी, अगर वो लकड़ियाँ बचा के रखता ना तो वो मैच बॉक्स मैं बना सकता था, लेकिन फिर सोचा मैंने थोड़ा बाहर निकल के देख लेते हैं शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एक क्रीपर आ गया भाई। कोई नहीं, ये क्रीपर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने इसको मार दिया। उसके बाद फिर से ढूंढना शुरू कर दिया, यहाँ पर एक बिर्च वुड के पेड़ मिल जाए, है तो आसपास ही पेड़, लेकिन बस थोड़े बहुत यहाँ पर खतरे है भाई। मैं तो भाई डर डर के इधर उधर देख रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक चमगादड़ दिखी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। वैसे आपको बताऊँ, शायद से इस चमगादड़ को मैं टेम कर सकता हूँ, लेकिन इसको टेम करने के लिए मेरे पास सामान नहीं है कुछ भी,
तो मैंने तो यहाँ पर रुक के ना दिन का इंतज़ार किया, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, और धीरे धीरे करके यहाँ पर दिन भी निकल गया था। उसके बाद निकल लिए यहाँ से सीधा का सीधा, क्योंकि मेरे को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना गुफा में, ये तो बस एक टेम्परेरी था एक दिन काटने के लिए। उसके बाद भाई जैसे मैं बाहर निकले आसपास चेक किया, और जितनी भी आसपास की लकड़ियाँ है खास करके बिर्च वुड, वो मैंने काटनी शुरू कर दी ताकि मैं मैच बॉक्स वगैरह जो भी चीज़ें बना सकूं। असल में बिर्च वुड से ना पेपर बनने वाले थे इसलिए। तो भाई ये जगह छोड़ के मैं निकल चुका था कहीं दूसरी जगह, और हमारी पहली जगह पे मैं दोबारा से आ सकूं उसके लिए मेरे को एक यहाँ पर वे स्टोन भी मिल गया था, जो कि कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मेरे को प्यास लगती है, लेकिन यहाँ की प्यास ना थोड़ी सी हार्ड भी है। अभी जो मेरे को थ्रस्ट मिल रहा है ना, ये थ्रस्ट के साथ ना आगे आगे थोड़ी मुझे बीमारियाँ भी लगने वाली है, पर कोई नहीं, अपना खाने वाने का जुगाड़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई आगे जो मैका है ना उनको मैंने मारना तो शुरू किया, लेकिन वो ड्रैगन की तरफ भाग गया। वहाँ पर ना एक आसपास एक काले रंग का ड्रैगन है, जिससे भाई मैं बड़ी मुश्किल से बचा, ये मेरे को मार देता। मैं यहाँ से निकल लिया, और यहाँ पर एक बैटल टावर भी है जो कि छोटा बैटल टावर है। साथ ही यहाँ पर एक विलेज भी मेरे को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि सारी चीज़ें यहीं पर ही है। मैं तो भाई फटाफट से विलेज के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एक्सप्लोरिंग में मेरा सबसे पहला काम है वेस्टोन। वेस्टोन को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मेरे को बचाएगा हर बार। जब भी मैं मरूंगा ना, मैं गलत जगह स्पोन नहीं होऊंगा इसकी वजह से। उसके अलावा यहाँ पर मैंने और एक्सप्लोर किया, और मेरे को ना कुछ बना बनाया सूट भी मिल गया, जो कि लेदर का है। फिलहाल तो भी मैं लेदर ही यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरी लेवल है। अगर लेवल बढ़ते हैं तो फिर मैं आयरन भी यूज़ कर पाऊँगा। ऐसे में एक और घर में गया था, वहाँ तो भाई आयरन के सूट थे, लेकिन इसको मैं बाद में देखूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। जब मेरे लेवल बढ़ जाएंगे तब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो भाई फिर से मैं लूट पे लग गया, और यहाँ पर मेरे को एक घर मिला जो कि मेरा मेन घर, मेन तो नहीं एक टेम्परेरी घर समझ लो, जहाँ पर मैं अपना सामान स्टोर करके रखने वाला हूँ। तो इस घर को मैंने टेम्परेरी घर बना लिया, इसमें सारा सामान मैं स्टोर करके रखूंगा, और इसमें और भी रूम्स है जहाँ पर कुछ बने बनाए चेस्ट भी है, तो ये मेरे काम की चीज़ है। और साथ ही आसपास के घर में खाना भी है, जो कि अच्छी बात है। खाने के साथ यहाँ पर भाई आयरन के टूल्स वगैरह भी है, और हाँ मेरा लेदर का सूट भी यहाँ पर पूरा हो गया, जो कि अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रोटेक्शन आ गई है, जो कि किसी काम की तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी तो प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने एक स्लीपिंग बैग भी बनाया, लेकिन एक बार सोचा कि लास्ट बार अपने बैग पे सो लूं, लेकिन जैसे ही सोया भाई यहाँ पे आ गया रैपियर, ये बड़ा खतरनाक होता है। मैंने यहाँ पर सोने की कोशिश तो करी, लेकिन भाई वो सोने ही नहीं दे रहा, बड़ा दुखी कर रहा था। तो भाई मैंने एक काम सोच लिया कि मैं बाहर गया, वैसे अंधेरा हो रहा था बाहर, और बाहर जाने के बाद जो ये आरजीज है ना इनके पास मैं ले आया रिपेयर को, ताकि ये खुद ही इसको मार सके। फिलहाल तो अभी हथियार वगैरह कुछ है नहीं, तो यही मेरे काम आने वाले थे। तो मैंने यहाँ पर उस रिपेयर को मरवाया, उसके बाद भाई वापस से अपने घर में गया। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत होपलेस हो जाता हूँ यहाँ की रात को देख के, बड़ी आवाजें आती है। तो भाई फिर से सोने की कोशिश करी, यहाँ पर मॉन्स्टर है, पता नहीं क्या मॉन्स्टर था। उसके बाद सुबह मैं द्वार से घूमने निकला, और मैंने यहाँ पर एक वुल्फ देखा जिसपे हर्ट आ रहे थे। पता नहीं ऐसा वुल्फ मैंने पहली बार ही देखा जिसपे हर्ट आ रहे हो, शायद से यहाँ पर एक और वुल्फ हो इसलिए आ रहे हो। भाई मेरे पास ना कुछ हड्डियाँ रखी थी, मैं तो सोच लिया कि इसको टेम करना है कैसे भी करके, क्योंकि ये वाले वुल्फ में ना थोड़ी अलग सी बात दिख रही थी मुझे। मैंने भाई इसको फटाफट से टेम किया, और ये एक ही हड्डी में टेम हो गया, और इसकी एनिमेशन भी कुछ अलग ही थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद भाई मैंने मैच बॉक्स वगैरह बनाए ताकि मैं अपनी जो बुझी हुई चीज़ें हैं उनको जला सकूं। और हाँ लग गया फिर यहाँ पर मैं थोड़े से एक्सपी कलेक्ट करने, ताकि मैं आयरन पे आ जाऊँ, मतलब आयरन की चीज़ें बना लूँ। साथ ही मैंने कुछ सर्वाइव की चीज़ें बनाई, जैसे कि कैंटीन, ये पानी को स्टोर करके रखती है, इसको मैं आयरन की भी बना सकता हूँ, जो कि बाद में कर लूँगा इसको जब मन चाहूँ। तो भाई ये पानी स्टोर करके रखती है, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी बीच एक्सप्लोरिंग करते हुए तो ये काम आएगी। मैं चाहूँ तो इस पानी को ना प्योरीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन प्योरीफाई करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही पी रहा था। फिलहाल तो अभी जो टाइम है वो मेरे लेवल अप होने का है, क्योंकि थोड़े बहुत मुझे लेवल अप करने हैं ताकि मैं आयरन पे आ जाऊँ और मेरी प्रोटेक्शन बढ़े। और प्रोटेक्शन के साथ साथ मैंने एक चीज़ और सोची, क्यों ना मैं एक बो भी बना लूँ। अभी मेरे पास 46 एरो थे, जो कि मेरे को यहीं के आसपास के खजाने से मिले हुए हैं, तो मैंने बो तो बना लिया, लेकिन भाई पता चले बो मैं चला नहीं सकता, इसके लिए 2 लेवल चाहिए। तो वो 2 लेवल ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पास लेवल नहीं था, इसलिए भाई मैंने लेवल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बस एक ही लेवल की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर फिर से वो रिपेयर आ गया। पता नहीं क्या होता है, किसी को मारता हूँ या सोता हूँ ये ज़रूर आता है भूत, और ये इसकी सबसे डरावनी बात क्या है कि मेरे को फियर देता है, जो कि इधर उधर घुमाता है। ये मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं जा रहा भाई, ये खुद ही ऑटोमेटिक चल रहा था। तो फिर से भाई जैसे तैसे मैं इससे बचा, और हाँ यहाँ पर वही आ गए थे गार्ड्स, जिन्होंने भाई फिर से बचाया।
इसने इस बार ऑब्सीडियन भी दिया और रात भी हो रही थी भाई, रात को और अजीब अजीब चीजें आ रही थी जैसे रोक वगैरह, जो हमारा फ्लाइंग पैट भी बन सकता है, लेकिन अभी तो नहीं बन सकता। अभी तो मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बचना है। और जब मैं फिर से सोने गया, फिर से रेपियर आ गया भाई, ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था मेरे को। सही बता रहा, अगर मैं पहले की तरह आरएल क्राफ्ट खेलता ना, मेरे को कई बार मार चुका होता, लेकिन हाँ मेरे को पता है इसको कैसे करना है हैंडल। तो भाई मैं तो सो गया, थोड़ा सा दूर था लेकिन है अभी भी ये पास में ही, इसलिए भाई फिर से इसको मारना था, जिसके लिए मैं वापस बाहर गया और इसको वापस से लेके गया मैं इन्हीं गार्ड्स के पास। ऐसे अब सर्वाइव करने के लिए मेरे को थोड़ा सा लेविल और हाँ खाना जरूर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ के जो मैका है ना उनको मारना शुरू कर दिया। ये मैका बड़े काम के है, इनका जो मीट होता है ना बड़ा हेल्दी होता है। अब मीट का एक और फायदा है, क्योंकि मैं खेती भी नहीं कर सकता, मैं बस अपने वीट की खेती कर सकता हूँ, बाकी खेती मैं नहीं कर सकता, इसलिए मीट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो जब मैं खाना ढूंढ रहा था, पास में ही मेरे एक बैटल टावर था, मैं सोच रहा था उस बैटल टावर के अंदर एक बार जाके चेक कर लेते कि क्या है भाई उसके अंदर। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लगाई ताकि मैं बैटल टावर के अंदर जा सकूँ। असल में नीचे की साइड ना, इससे भी जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ब्लेज के वो लगे हुए थे स्पोनर, जो कि भाई बड़े तंग करने वाले थे मुझे। वैसे मैंने कोशिश तो की यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़ूं और इनको मारूं, लेकिन जो ब्लेज है ना, ब्लेज मेरा काम ख़राब कर रही थी, उसने आग लगा दी भाई लकड़ी में। मैं तो भाग गया भाई यहाँ से, जब मेरे पास स्टोन हो गए तब देखूंगा मैं। तो फिर से लग गया मैं अपने काम पे, अपने लेवल्स वगैरह मैंने अप किए ताकि मैं और भी टूल्स यूज़ कर सकूं। और इतना तो मैं हो गया था कि मैं आयरन की चीज़ें यूज़ कर सकूं, इसलिए मैं निकल लिया यहाँ की आयरन की चीज़ों को लूटने। भाई यहाँ पर आयरन के ब्लॉक भी रखे हुए थे, बड़ा अजीब विलेज था ये। और मेरे को एक आयरन की तलवार भी मिल गई, इसको मैं यूज़ भी कर सकता था, क्योंकि मेरा अटैक 8 हो चुका था और जो मेरा डिफेंस था वो भी 8 हो चुका था। तो जब मैं लूट रहा था यहाँ पर, मेरे को एक अजीब चीज़ मिली, एक स्कर्ट मिली थी, चेन की स्कर्ट। अब जो भी हो भाई, प्रोटेक्शन दे रही थी, लेकिन मैं इसमें अजीब बहुत लग रहा था। फिर वो जो मैंने पहले एक बार घर देखा था ना, जहाँ पर सूट था, वो मैंने सूट यहाँ से घर से निकाल लिया और इसको पहन लिया मैंने। अब लग रहा हूँ भाई थोड़ा सा मैं स्टाइलिश। उसके बाद जो आसपास का जितना भी खजाना आयरन का वो सारा मैंने ले लिया, और जो जो मेरे क्वेस्ट कंप्लीट हो रहे थे वो भी मैंने कंप्लीट किए। लेकिन जब मैं कंप्लीट कर रहा था तभी भाई एक अजीब सी चीज़ यहाँ पर आई। मेरे को पता है ये क्या चीज़ है, मैं इससे कई बार भेड़ा भी हूँ, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है इतना बुरा पागल हो जाता है, बहुत मारता है। जैसे कि अभी तो ये शांत है, कुछ नहीं कह रहा, इसलिए भाई मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है पागल। इसलिए मैं अपने डोगी को ना अपने घर में ले आया, ताकि ये घर में ही रहे, परेशान ना हो। और हाँ, आज का जो रात है ना भाई, वो ब्लड मून की रात है, इसलिए मैं यहाँ पर सो नहीं सकता और ना ही मैं बाहर जा सकता। बड़ी बुरी रात होती है ब्लड मून की, चारों तरफ ना डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा मोब स्पॉन होते हैं। अब इसी डर के चक्कर में ना मैंने कुछ ब्रेड भी बना लिए, मतलब बर्गर वगैरह भी बना लिए। ये बर्गर थोड़ी सी मेरी हेल्थ वगैरह बढ़ा देगी अच्छी खासी, इसलिए इनकी ज़रूरत थी मेरी। अब मेरे को आगे बढ़ने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि सैडल चाहिए, एक एविन की सैडल चाहिए होगी, और हाँ एक मेरे को चाहिए ये वाली स्टफ़ जो कि समोनिंग स्टफ़ है, ये मेरे को बचा सकती है। तो ये चीज़ें तो मैं तभी कर सकता हूँ जब सुबह हो, और हाँ सुबह भी जल्दी जल्दी हो रही थी, साथ ही यहाँ के खतरनाक मोब भी आ रहे थे, जो कि बहुत बुरे मोब होते हैं भाई। इसी के साथ यहाँ पर एक कुत्ता आया था भाई, जो मेरा गेम भी अटकाया, और ये कुत्ता मैं जानता हूँ, ये नया नया आया था जब मैंने इसको टेम भी किया था। ये बड़ा खतरनाक कुत्ता होता है, पता नहीं इससे जल रहा था मैं बहुत बुरा, और जलते जलते मैं मर भी गया था। जो भी हो, कुत्ता बड़ा खतरनाक था, ये हमारे की तरह नहीं था जो बार बार जीव निकाले। अब समोनिंग स्टफ वगैरह ये चीजें बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को अपग्रेड होना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत आयरन चाहिए, ताकि मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं। पर अभी मैं बैटल टावर के पास आया हुआ था, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्या है इसमें। भाई मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, यहाँ से लेवल वगैरह भी मिले, लेकिन यहाँ का जो कचरा है ना सामान, वो तो कचरा है ही। जब तक बैटल टावर में वो एक आँख वाला बंदा नहीं होता ना, तब तक यहाँ का कचरा ही होता है सामान। ऊपर से इन पे लॉक भी लगे रहते हैं। अब ये लॉक खोलने के लिए लॉक पिक लगती है, जो कि बहुत मेहनत करवाती है, मेरे को करना नहीं था भाई, इसलिए मैंने तो भाई जितना हो सके यहाँ से लूटना पोटना शुरू कर दिया और अपने लेवल्स भी बढ़ाए, ताकि मैं यहाँ पे और भी तगड़ा सूट बना सकूँ। पर सूट बनाने से पहले जो नूब है ना, इन सबको मारना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई, जब मूड होता तभी उठा के ले जाते हैं, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकल लिया। अब इसमें कुछ खास तो नहीं लग रहा था, नीचे है इसमें और भी चीज़ें, पर यहाँ की जो ब्लेज है ना वो बड़ी बेकार है, इसलिए मैं तो निकल लिया यहाँ से। अभी मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी,
इसके लिए मैं एक निम्फ के पास आया जो कि एक तितली है, ये ना रीजनरेशन देती है। और जब मेरी हेल्थ बढ़ गई उसके बाद मैं वापस से बैटल टावर के अंदर गया। बैटल टावर में भाई इस बार जो ब्लेज निकली ना बड़ी खतरनाक थी, मैं तो भाई सीधा यहाँ से भाग लिया। और हाँ, मैं भागते भागते ये भूल गया कि मैं ड्रैगन की तरफ ही भाग रहा था, अभी ड्रैगन से भी मरने वाला था मैं। तो भाई अब बारी आ जाती है कुछ अपग्रेड करने की, जैसे कि एक मैप बनाने की, जिसके लिए भाई मेरे को कुछ सामान चाहिए होगा, बुक्स वगैरह चीज़ें चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी और वो मैप भी बनाया। ये मैप ना इतना खास मैप है कि इसमें मैं लोकेशन वगैरह सेट कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और इसकी ये खास बात है कि मैं एक्सप्लोरिंग कर सकता हूँ। तो भाई मैं तो निकल लिया यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करने, अब मैप भी है, सब कुछ है। और एक्सप्लोरिंग जब कर रहा था मेरे को यहाँ पर एक सी सर्पेंट मिला जो कि पत्थरों के ऊपर था भाई फंसा हुआ। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी खास चीज़ क्या हुई कि मैं यहाँ पर बो लाना भूल गया, इसलिए भाई फिर मेरे को घर पर जाना पड़ा, बो लाना पड़ा, और यहाँ पर फिर मेरे को इसको मारना भी पड़ा। तो भाई इसका मारने का ना एक फ़ायदा होगा कि ये मेरे को सूट दे के जाएगा, इसलिए मैंने जितना हो सके उतना जल्दी स्पीड में इसको मारना शुरू किया। अब इसका सूट बनाने के लिए ना मेरे को एक चीज़ की और ज़रूरत होगी। वैसे लड़ने के बाद मेरे को प्यास भी लग रही थी और जब मैंने पानी पिया तो मेरे को एक बीमारी लगी भाई, जो कि बड़ी अजीब बीमारी, मतलब कीड़ों की बीमारी लग गई थी मुझे। छोटी छोटी चीज़ में बार बार मेरे को डैमेज मिल रहा था, जो कि सर की तरफ ही डैमेज मिल रहा था। उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ आ गई जो कि है पिक्सिन के नाम से। ये काम क्या करती है कि जब भी मेरी हेल्थ कम होगी आधे से ज़्यादा कम, ये मेरे पे अटैक करना शुरू कर देगा और मेरे को मार देगा। मैं तो भाई इससे भग भुगा के दूर भाग गया, ये पानी में ज़्यादा चलता नहीं है, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकल लिया और जो मेरा मेन काम है उसकी तरफ चला गया, जो कि यहाँ के सिरीन्स को मारना। मतलब सिरीन एक ऐसी चीज़ है जो कि जलपरी है, और जलपरी को मारना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने अभी सी सरपेंट मारा था ना उसका सूट बनाने के लिए इस सिरीन्स के वो चाहिए मेरे को शार्ड। तो भाई सबसे पहला काम था इनको अलग अलग करना, अगर एक साथ ही मारूंगा तो दोनों मेरे को मार देगी। तो मैंने इनको अलग अलग किया और निकल लिया एक एक को मारने के लिए। तो एक तो मेरी यहाँ पर थी ये वाली सिरीन, काफ़ी तो इसकी हेल्थ जा चुकी थी एरो से ही, इसलिए मैंने फटाफट से इस पे तलवारें मारी। और हाँ, इसने पावर भी यूज़ करी अपनी, तो मैंने भाई इसको मारा और इसे मेरे को वो भी चीज़ मिल गई जो मेरे को चाहिए थी, ये सूट बनाने में काम आएगी। दूसरी वाली बड़ी आसानी से मर गई थी क्योंकि मैं ऊपर था और ये पानी के अंदर ही थी, निकल ही नहीं पा रही थी। अब फटाफट से मैं अपने घर की तरफ गया और घर जाने के बाद सबसे पहले मैंने सूट बनाया। मैं इसको पहन नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि इसके लिए 24 लेवल चाहिए और मेरे शायद से 10 लेवल के आसपास थे, इसलिए मैंने सूट रखा और एक्सप्लोरिंग के लिए निकल लिया। तो एक्सप्लोरिंग करते करते यहाँ पर मेरे को एक घर मिला जो कि एक विलेजर का घर था, और यहाँ पर ना मेरे को एक डायमंड तो नहीं, एक गोल्ड का ब्लॉक मिला जो कि अच्छी बात है भाई, पूरा का पूरा गोल्ड का ब्लॉक। और एक और विलेज मिला मेरे को जहाँ पर भाई डायमंड की चीज़ें थी, डायमंड का सूट था और यहाँ पर डायमंड की तलवारें वगैरह सारी चीज़ें थी। मैंने वो भी ले ली पर इसको भी यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए 16 लेवल चाहिए ना इसलिए। इसी के साथ इस विलेज में एनविल भी रखी हुई थी, साबुत एनविल, जो कि 4-4 एनविल थी, पर इनको मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए 12 लेवल चाहिए। इसके बाद फिर मैं गया एक और स्ट्रक्चर में जो बहुत बेकार स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर खजाने के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बेस वगैरह बनाना हो तो ये बढ़िया लोकेशन है, इससे बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती बेस की, लेकिन वो कोई ख़ास जगह नहीं है। तो सामान वगैरह इकट्ठा करके मैं घर पर आया और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया एक सुम्बोनिंग स्टफ। अब ये मैंने बना तो लिया है लेकिन भाई यहाँ पर इसको यूज़ मैं नहीं कर सकता, मैंने बताया था ना कि आरएल क्राफ्ट ये हार्ड हो चुका है, तो यहाँ पर इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। असल में इसको यूज़ करने के लिए मेरे को हर एक मोब का लेवल 2 चाहिए, जैसे कि आरजीज है, आरजी का मेरे को लेवल 2 चाहिए होगा तब जाके मेरे को होगा, शायद से मारने पर मिल जाए आरजी का लेवल 2, लेकिन ना भाई ऐसे नहीं मिलने वाला, इसकी ना टेक्निक ही कुछ और अलग थी। मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा था कि शायद से कुछ और हो जाए, इसको अपग्रेड करके देख लूँ, वैसे अपग्रेड करने के कुछ और फ़ायदे होते हैं, पर मैं सोच रहा अपग्रेड करने से शायद कुछ हो जाए, पर ना भाई उससे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर अपनी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक तलवार बनाई जो कि एक रैपियर होती है, आयरन की रैपियर, ये थोड़ा सा अच्छा डैमेज देगी। उसके बाद मैंने अपना एक बैग भी बनाया, बैग पैक, जो कि स्टोर करने में काम आएगा सामान। जब भी मैं एक्सप्लोरिंग पे जाऊंगा ना तो आधा सामान तो इसी के अंदर लाया करूंगा। वैसे आपको मेरा बड़ा सर दिख रहा है, ये कोई बड़ा सर नहीं बल्कि एक स्किन होती है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको मैं बदल सकता हूँ जब मन चाहूँ। तो काफ़ी ज़्यादा काम के बाद मेरे को पता चला कि जो आरजीज का लेवल 2 है ना ये कैसे मिलेगा,
उसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं माइन पे गया। यहाँ पर मेरे को डायमंड्स वगैरह मिलने वाले थे, लेकिन डायमंड से पहले यहाँ पर एक आँस वाली चुड़ैल आई जो बड़ी खतरनाक थी। ये फियर दे रही थी, ये भी रेपियर की तरह थी, लेकिन ये बस थोड़ी सी स्पीड में ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ थी अजीब, जो कि था एक बेबी ज़ॉम्बी। भाई ये बड़ा खतरनाक था, मैंने इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई इसने स्पीड में मेरे को मार दिया। पर जो भी हो, मेरे को अपना ये वाला काम नहीं करना भाई, मार पिटाई का। मेरे को यहाँ से डायमंड ढूंढने थे, और ये वाली जिस माइन में आया हूँ ना मैं, ये माइन में ऐसी ही चीज़ें मिल रही थी, एमरल्ड है, डायमंड है, सब भर भर के मिल रही थी। पता नहीं कौन सी अजीब माइन थी ये। तो यहाँ से जितना हो सके उतना सारा सामान ले लिया, और उसके बाद मैं अपने घर पे आया। और मेरे को यहाँ पर एक डायमंड का आर्मर भी मिला था, जो कि वुल्फ का आर्मर था। तो वो वाला आर्मर मैंने अपने वुल्फ को पहनाया। पहले मैंने इसको आयरन का भी पहनाया था बीच में। तो अब आ जाते हैं सुमोनिंग स्टफ पे। इसके लिए ना मेरे को एक चीज़ बनानी थी, जो कि है ये वाली चीज़, ये गेजर के नाम से, जो सोल गेजर के नाम से चीज़ है। इसका काम क्या होता है कि राइट क्लिक करना होगा मेरे को हर एक मॉब पे, जिसको भी मैं मेरे को स्पॉन करना होगा। तो भाई उसके लिए मेरे को ये बार बार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिसके लिए भाई फिर से मैंने अपनी और भी चीज़ें बनाई, शील्ड वगैरह बनाई। लेकिन हाँ, अपना ये भी काम करता रहा। असल में 3-4 मिनट इसको चार्ज होने में लगते, एक बार लगाता हूँ 3-4 मिनट लगते चार्ज होने में। इसलिए इस बीच मैं और भी चीज़ें बना रहा था साथ साथ, जैसे कि एक बेल्ट। ये बेल्ट मेरे टूल्स वगैरह रखने में काम आएगी। इसमें मैं पाउच भी लगा सकता हूँ ताकि मैं ज़्यादा टूल्स रख सकूँ। तो ये बेल्ट भी मैंने लगाई। इसमें ना एक हार्ट भी मेरे को मिला, ये काफ़ी अच्छी बेल्ट है। पर जो भी हो, इसका मेन काम है सामान को रखना अपने पास। तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को सोल गेजर को यूज़ करते करते, और एक बार और मेरे को यूज़ करना था ये। तो वो भी मैंने काम किया, और मेरे को रैंक 2 भी मिल गया, जिसकी वजह से मेरा एक आरजिस अनलॉक हो गया। तो भाई अब मैं थोड़ा सुमोन वगैरह कर सकता हूँ, आरजिस वगैरह। इसलिए मैं तो निकल लिया उस ड्रैगन के पास सुमोन करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ आई, जो कि भाई बेबी ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक था ये। तो भाई सच में बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था। अब बता रहा था ना, ये बड़े बेकार होते हैं। तो भाई ये मेरे को मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर एक आरजिस ने मेरे को बचा लिया। यही आसपास घूम रहा था, आरजिस मेरे वाला नहीं था, मेरे वाला तो इस ड्रैगन को मारने वाला था। लेकिन इसकी लोकेशन ही बड़ी अजीब थी, वहाँ तक जा ही नहीं रही थी, मतलब ज़्यादा दूर तक ये जा ही नहीं सकता था। इसलिए भाई ड्रैगन को मारने का आइडिया मेरा फेल हो गया। अब मैंने ड्रैगन के लिए एक चीज़ और बनाई, जो कि बूमरैंग। वो भी मैंने डायमंड का बनाया, जिसके लिए 16 लेवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयरन का भी बनाया। इसकी रेंज तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा दूर तक इसकी भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो एक्सप्लोरिंग कर लेते हैं कुछ और। एक्सप्लोरिंग के चक्कर में ना मैं एक चीज़ से भिड़ गया, जो कि ये सिंडर के नाम से है। ये बड़ा खतरनाक होता है, आग फेंकता रहता है लगातार। अगर मेरे पास कोई फायर प्रोटेक्शन ना हो ना, तो ये मेरे को हर जगह मार सकता है। मैं भले ही पानी के अंदर घुस जाऊँ तो भी ये मेरे को मार सकता है। और मैंने यही यहाँ पर गलती कर दी कि मैं पानी के अंदर घुस गया भाई, और इसने भाई पानी के अंदर ही मेरे पर आग बरसाना शुरू कर दिया, जो बहुत खतरनाक डैमेज पे मेरे को मार दिया। तो ठीक है यार, ये होता रहता है। वैसे भी आरएल क्राफ्ट है, और ये नहीं होगा तो भाई काम कैसे चलेगा। तो काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी ट्रीट बना लूँ, एविन ट्रीट, जिसके लिए मैंने मछलियाँ वगैरह काफ़ी पकड़ी हुई है। और ये एविन ट्रीट ना उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ेगी, ताकि मैं उन पर राइड कर सकूँ। फिर चल दिया भाई थोड़ा सा और एक्सप्लोरिंग करने आसपास, जितना भी हो सके, क्या पता रास्ते में कुछ और नई चीज़ मिल जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक सीढ़ियाँ देखी, जो काफ़ी ज़्यादा ऊँची थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेस है। असल में बेस नहीं, ये एक मंदिर था। जो मंदिर मेरे को लग रहा था ईजी है, लेकिन यहाँ पर खतरे थे भाई नीचे, इसलिए मैं तो निकल लिया यहाँ से, क्योंकि एक मकड़ी थी वहाँ पर। एक्सप्लोरिंग करते करते मैं एक विलेज में पहुँचा, जहाँ पर भाई अंगूर की खेती हो रही थी। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ड्रैगन भी था, जो इनका पूरा कुछ उजाड़ रहा था। ये बुरी चीज़ है भाई, एक तरफ खेती चल रही है और एक तरफ वो उजाड़ रहा है। तो भाई फिर से निकल लिया मैं यहाँ पर एक्सप्लोरिंग करने के लिए। और यहाँ पर मेरे को कुछ शिप वगैरह मिली, शिप के साथ यहाँ पर सी सरपेंट भी था, जिसे दूर ही रहना बेहतर है। तो इस शिप के अंदर ना पायरेट भी थे भाई, इसलिए मैं दूसरी वाली शिप में गया, जहाँ पर कोई खतरे नहीं थे। फिर मैं एक बायोम में गया, जो कि बड़ी अच्छी बायोम लग रही थी भाई, पर्पल कलर की बायोम थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, जो कि मगरमच्छ है। ये असल में इंचेंटमेंट की बुक देते हैं, अगर मैं इनको कुछ खिलाऊँ तो, मतलब इंचेंटमेंट की बुक खिलाऊँ तो। पर अभी तो मेरा काम है एक्सप्लोरिंग करना, और एक्सप्लोरिंग करते करते मेरी नाव भी यहाँ पर डूब गई थी। और हाँ, जिस जगह पर मैं अभी आया हूँ ना, ये सबसे ओपी जगह है, क्योंकि यहाँ पर तगड़ी लूट मिलती है। देख रहे हो कितना सारा यहाँ पर आयरन मिल रहा है। आयरन के साथ यहाँ पर मेरे को सिंहासन मिला एमरल्ड का, साथ ही रेडस्टोन के भी ब्लॉक मिले, और भाई मेरे को गोल्डन एप्पल भी मिले।
और कुछ मेरे को गोल्ड भी मिले जो कि ब्लॉक्स मिले, लेकिन मेन खजाना तो मेरा यही था, मतलब कि आयरन के ब्लॉक्स थे। तो एक्सप्लोरिंग के बाद मैंने अपने लेवल अप किए जो कि मेरे 20 लेवल तक हो चुके थे, और भाई इनको करते करते ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो 20 लेवल होते ही मेरा जो सूट है ना उनको मैं पहन सकता हूँ, जो कि मेरा गार्डियन वाला सूट है। इसकी खास बात पता है क्या है कि मेरे को वाटर ब्रीथिंग तो देगा ही, लेकिन पानी के अंदर स्ट्रेंथ 4 देगा मेरे को, जो कि बहुत खास बात है। मतलब पानी के अंदर मैं ओपी हूँ भाई। फिर मैंने साथ में एक बो भी बनाया जो कि आयरन का एक लॉन्ग बो है, और कुछ मैंने आयरन के तीर भी बनाए। साथ ही मैंने एक डायमंड की रैपियर बनाई जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, -5 में था सब कुछ उसका, इसलिए भाई जिसको भी मार रहा था वो तो 1 या 2 का अटैक डैमेज ले रहा था। इसलिए मैंने एक रिफोर्जिंग स्टेशन बनाया। इसका असल में काम क्या होता है कि ये दोबारा से लेवल्स देता है, मतलब कि पावर्स को बढ़ाता है। तो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, लेकिन आज जिस चीज़ से जो चीज़ बनी हो वही चीज़ उसको चाहिए, तो मैंने फटाफट से ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी ताकि भाई इनका लेवल अप हो और इसमें कुछ जान सी आ जाए। तो वो मैंने अपने सूट के साथ भी किया जितना हो सके उतना ज़्यादा। और हाँ, यहाँ पर एक लेवल और होता है जो एक अलग पावर होती है, इनको भी मैं इनक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो एक्सप्लोरिंग करते करते मैं एक जगह पहुँचा जहाँ पर था एक बोस, पता नहीं अक्सियो के नाम से ऐसे कुछ बोस था, लेकिन मुझे बोस नहीं चाहिए था, सबसे पहले मेरे को बैटल टावर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक आदमी था भाई, पता नहीं मेरा दिमाग क्या काम कर रहा था। यहाँ पर पहले तो मैं स्टफ़ यूज़ करने वाला था, लेकिन फिर मैंने करा नहीं, जिसकी वजह से भाई कुछ नहीं होने वाला था, मैं बस मरने ही वाला था। अब उल्टे काम करूँगा, मरूँगा तो सही भाई, जबकि मेरे पास बो भी था, सारी चीज़ें थी। पर ठीक है, फिर मैं अपना मैनुअली गया उस टावर पे, और टावर पे देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बेकार टावर था। अब इस बार जो मेरे को लेवल मिले थे ना, वो सारे लेवल मैंने अपने इन पे लगा दिए ताकि मेरा डैमेज वगैरह बढ़े, क्योंकि भाई मेरे को इस वाली जगह पे भी तो जाना है। तो ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है, पहले तो मैं हीरो की तरह गया, एकदम से मारा सबको, लेकिन हाँ मेरा सूट ना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1-2 हिट में ही मैं मर गया। अब एक्सप्लोरिंग करते करते मैं आइस में भी पहुँचा, और आइस में भी मेरे को कई नई नई चीज़ें मिली, जैसे कि यहाँ पर मेरे को एक मरा हुआ ड्रैगन मिला जो कि मेरे को हड्डियाँ देने वाला था। अब हड्डियाँ देने का ये फ़ायदा रहेगा कि मैं हड्डियों के टूल्स बना पाऊँगा, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए भी लेवल चाहिए होंगे भाई। इसी के साथ यहाँ पर एक आइस ड्रैगन भी था, एक नहीं थे यहाँ पर 2-2 थे, मैंने उनको सोचा कि चलो मार के देख लेते हैं क्या होगा भाई। और हाँ, मेरा जो लॉन्ग बो है ना उसके बहुत दूर तक एरो जा रहे थे, पर हाँ मेरे पास एरो कम थे, इसलिए मैं यहाँ से निकल लिया और एक स्ट्रक्चर के और पास गया जो कि मेरे को कुछ स्पेशल चीज़ें दे सकता था। अब स्पेशल के चक्कर में मैं तो भाई अंदर चला गया सोच के कि शायद से इसमें कुछ स्पेशल मिल जाए, पर भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जितना दिखता है ना उतना है नहीं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें दुनिया भर के स्पूनर भरे पड़े हैं। मैं तो भाई कोशिश करी कि अपने आर्जिस वगैरह बुलाऊँ, उनसे लड़ूँ, लेकिन हाँ फिर मैंने बताया था ना कि यहाँ पर स्पूनर है, तो यहाँ पर एक चीज़ आई जिसको मैंने मार तो दिया, उसके साथ यहाँ पर और भी चीज़ आ गई जो कि मेरे पीछे पड़ गई मेरे को मारने के लिए, और मेरे को मार भी दिया भाई बिना वजह के। सच में ये जगह ना बड़ी खतरनाक है, मैं बहुत बार मरा हूँ यहाँ पर। और हाँ, मेरे को यहाँ पर एक ताज भी मिला था, वो ताज ना बड़े काम का था, उसने ना मेरे को एकदम से टेलीपोर्ट कर दिया बाहर की तरफ जब मैं मरने वाला था। असल में ताज एक एंडर का ताज है, मतलब कि एंडरमैन का ताज है, और इसने मेरा भाई बहुत फायदा किया मेरे को टेलीपोर्ट करके। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे 100 यहाँ पर काफी टाइम से हो चुके हैं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठी कर रहा था। और आपको लग रहा होगा कि अभी तो बोस वगैरह ये चीजें भी नहीं मरी, तो भाई जो हमारा इसका अगला पार्ट आने वाला है उसमें सारी चीज़ें होने वाली है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी 100 कैसे हो गए, तो भाई देखो हर एक स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिन लग रहे थे, और स्ट्रक्चर के साथ लेवल इकट्ठा करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिन लग रहे थे, इसलिए भाई टाइम लगा इस वाले को, इसलिए आरएल क्राफ्ट का एक और पार्ट आएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गेम एपिसोड में।